सम्मानित मुख्यमंत्रीगण, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी सभी साथी, राज्यों के सभी मंत्री, विभिन्न मंत्रालयों के सचिव और सैकड़ों जिलों के जिलाधिकारी, कलेक्टर, कमिश्नर, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, जीवन में अक्सर हम देखते हैं कि लोग अपनी आकांक्षाओं के लिए दिन रात परिश्रम करते हैं और कुछ मात्रा में उन्हें पूरा भी करते हैं, लेकिन जब दूसरों की आकांक्षाएं अपनी आकांक्षाएं बन जाए, जब दूसरों के सपनों को पूरा करना अपनी सफलता का पैमाना बन जाए, तो फिर वो कर्तव्य पथ इतिहास रचता है। आज हम देश के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, आकांक्षी जिलों में यही इतिहास बनते हुए देख रहे हैं। मुझे याद है 2018 में ये अभियान शुरू हुआ था तो मैंने कहा था कि जो इलाके दशकों से विकास से वंचित हैं, उनमें लोगों की सेवा करने का अवसर, ये अपने आप में बहुत बड़ा सौभाग्य है। मुझे खुशी है कि आज जब देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो आप इस अभियान की अनेकों उपलब्धियों के साथ आज यहां उपस्थित हैं। मैं आप सभी को आपकी सफलता के लिए बधाई देता हूं, आपके नए लक्ष्यों के लिए शुभकामनाएं देता हूं। मैं मुख्यमंत्रियों का भी और राज्यों का भी विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं, क्योंकि उन्होंने, मैंने देखा कि अनेक जिलों में होनहार और बड़े तेज तर्रार नौजवान अफसरों को लगाया है। ये अपने आप में सही रणनीति है। उसी प्रकार से जहां वैकेंसी थी उसको भरने में भी प्रायोरिटी दी है। तीसरा, मैंने देखा है कि उन्होंने टेन्योर को भी स्टेबल रखा है, यानी एक प्रकार से एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में होनहार लीडरशिप, होनहार टीम देने का काम मुख्यमंत्रियों ने किया है। आज शनिवार है, छुट्टी का मूड होता है, उसके बावजूद भी सभी आदरणीय मुख्यमंत्री समय निकाल करके इसमें हमारे साथ जुड़े हैं। आप सब भी छुट्टी मनाए बिना आज इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। ये दिखाता है कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का राज्यों के मुख्यमंत्रियों के दिल में भी कितना महत्व है। वे भी अपने राज्य में इस प्रकार से जो पीछे रह गए हैं उनको राज्य की बराबरी में लाने के लिए कितने कृतनिष्ठ हैं, ये इस बात का सबूत है। साथियों, हमने देखा है कि एक तरफ बजट बढ़ता रहा, योजनाएं बनती रही, आंकड़ों में आर्थिक विकास भी होता दिखा, लेकिन फिर भी आजादी के 75 साल, इतनी बड़ी लंबी यात्रा के बाद भी देश में कई जिले पीछे ही रह गए। समय के साथ इन जिलों पर पिछड़े जिले का टैग लगा दिया गया। एक तरफ देश के सैकड़ों जिले प्रगति करते रहे, दूसरी तरफ ये पिछड़े जिले और पीछे होते चले गए। पूरे देश की प्रगति के आंकड़ों को भी ये जिले नीचे कर देते थे। समग्र रूप से जब परिवर्तन नजर नहीं आता है, तो जो जिले अच्छा कर रहे हैं उनमें भी निराशा आती है। और इसलिए देश ने इन पीछे रह गए जिलों की हैंड होल्डिंग पर विशेष ध्यान दिया। आज
एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स देश के आगे बढ़ने के अवरोध को समाप्त कर रहे हैं। आप सबके प्रयासों से एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स आज गतिरोधक के बजाय गतिवर्धक बन रहे हैं। जो जिले पहले कभी तेज प्रगति करने वाले माने जाते थे, आज कई पैरामीटर्स में ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स उन जिलों में भी अच्छा काम करके दिखा रहे हैं। आज यहां इतने माननीय मुख्यमंत्री जुड़े हुए हैं, वो भी मानेंगे कि उनके यहां आकांक्षी जिलों ने कमाल का काम किया है। साथियों, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स इसमें विकास के इस अभियान ने हमारी जिम्मेदारियों को कई तरह से एक्सपांड और रीडिजाइन किया है। हमारे संविधान का जो आइडिया और संविधान का जो स्पिरिट है, उसे मूर्त स्वरूप देता है। इसका आधार है केंद्र, राज्य और स्थानीय प्रशासन का टीम वर्क। इसकी पहचान है फेडरल स्ट्रक्चर में सहयोग का बढ़ता कल्चर। और सबसे अहम बात, जितनी ज्यादा जन भागीदारी, जितनी एफिशिएंट मॉनिटरिंग, उतने ही बेहतर परिणाम। साथियों, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में विकास के लिए प्रशासन और जनता के बीच सीधा कनेक्ट, एक इमोशनल जुड़ाव बहुत जरूरी है। एक तरह से गवर्नेंस का टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप फ्लो, और इस अभियान का महत्वपूर्ण पहलू है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। जैसा कि हमने अभी के प्रेजेंटेशन में भी देखा, जो जिले टेक्नोलॉजी का जितना ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, गवर्नेंस और डिलीवरी के जितने नए तरीके इनोवेट कर रहे हैं, वो उतना ही बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। आज देश के अलग अलग राज्यों के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की कितनी ही सक्सेस स्टोरी हमारे सामने हैं। मैं देख रहा था, आज मुझे 5 ही जिला अधिकारियों से बात करने का अवसर मिला, लेकिन बाकी जो यहां बैठे हैं मेरे सामने, सैकड़ों अधिकारी बैठे हैं, हर एक के पास कोई न कोई सक्सेस स्टोरी है। अब देखिए, हमारे सामने असम के दरांग का, बिहार के शेखपुरा का, तेलंगाना के भद्राई कोठागढ़म का उदाहरण है। इन जिलों ने देखते ही देखते बच्चों में कुपोषण को काफी हद तक कम किया है। पूर्वोत्तर में असम के गोलपारा और मणिपुर के चंदेल जिलों ने पशुओं के वैक्सीनेशन को 4 साल में 20% से 85% 85% पर पहुंचा दिया है। बिहार में जुमई और बेगूसराय जिले ऐसे जिले जहां 30% आबादी को भी बमुश्किल दिन भर में एक बाल्टी पानी का नसीब होता था, वहां अब 90% आबादी को पीने का साफ पानी मिल रहा है। हम कल्पना कर सकते हैं कि कितने ही गरीबों, कितनी ही महिलाओं, कितने बच्चों बुजुर्गों के जीवन में सुखद बदलाव आया है। और मैं ये कहूंगा, ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, हर आंकड़े के साथ कितने ही जीवन जुड़े हुए हैं। इन आंकड़ों में आप जैसे होनहार साथियों के कितने मैंडेज, कितने मैनेवर लगे हैं, कितना मैन पावर लगा है, इसके पीछे आप सब
आप सब लोगों की तप तपस्या और पसीना लगा है। मैं समझता हूं ये बदलाव, ये अनुभव आपके पूरे जीवन की पूंजी है। साथियों, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में देश को जो सफलता मिल रही है उसका एक बड़ा कारण अगर मैं कहूंगा तो वो है कन्वर्जेंस। और अभी कर्नाटक के हमारे अधिकारी ने बताया कि साइलों में से कैसे बाहर आए। सारे संसाधन वही है, सरकारी मशीन वही है, मशीनरी वही है, अधिकारी वही है, लेकिन परिणाम अलग अलग है। किसी भी जिले को जब एक यूनिट के तौर पर, एक इकाई के तौर पर देखा जाता है, जब जिले के भविष्य को सामने रखकर काम किया जाता है, तो अधिकारियों को अपने कार्यों की विशालता की अनुभूति होती है। अधिकारियों को भी अपनी भूमिका के महत्व का एहसास होता है, एक पर्पज ऑफ लाइफ फील होता है। उनकी आंखों के सामने जो बदलाव आ रहे हैं और जो परिणाम दिखते हैं, उनके जिले के लोगों की जिंदगी में जो बदलाव दिखते हैं, अधिकारियों को, प्रशासन से जुड़े लोगों को इसका सेटिस्फेक्शन मिलता है। और ये सेटिस्फेक्शन कल्पना से परे होता है, शब्दों से परे होता है। यह मैंने स्वयं देखा है। जब ये कोरोना नहीं था तो मैंने नियम बना रखा था कि अगर किसी भी राज्य में जाता था तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के लोगों को बुलाता था, उन अधिकारियों के साथ खुलकर के बातें करता था, चर्चा करता था। उन्हीं से बातचीत के बाद मेरा यह अनुभव बना है कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में जो काम कर रहे हैं उनमें काम करने की संतुष्टि की एक अलग ही भावना पैदा हो जाती है। जब कोई सरकारी काम एक जीवंत लक्ष्य बन जाता है, जब सरकारी मशीनरी एक जीवंत इकाई बन जाती है, टीम स्पिरिट से भर जाती है, टीम एक कल्चर को लेकर आगे बढ़ती है, तो नतीजे वैसे ही आते हैं जैसे हम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में देख रहे हैं। एक दूसरे का सहयोग करते हुए, एक दूसरे से बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करते हुए, एक दूसरे से सीखते हुए, एक दूसरे को सिखाते हुए जो कार्यशैली विकसित होती है वो गुड गवर्नेंस की बहुत बड़ी पूंजी है। साथियों, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, आकांक्षी जिलों में जो काम हुआ है वो विश्व की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के लिए भी अध्ययन का विषय है। पिछले 4 सालों में देश के लगभग हर आकांक्षी जिले में जनधन खातों में 4 से 5 गुना की वृद्धि हुई है। लगभग हर परिवार को शौचालय मिला है, हर गांव तक बिजली पहुंची है। और बिजली सिर्फ गरीब के घर में नहीं पहुंची है बल्कि लोगों के जीवन में ऊर्जा का संचार हुआ है। देश की व्यवस्था पर इन क्षेत्रों के लोगों का भरोसा बढ़ा है। साथियों, हमें अपने इन प्रयासों से बहुत कुछ सीखना है। एक जिले को दूसरे जिले की सफलताओं से सीखना है, दूसरे की चुनौतियों का आकलन कर रहा है। कैसे मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में 4 साल के भीतर गर्भवती महिलाओं का पहली तिमाही में रजिस्ट्रेशन 37% से बढ़कर 97% हो गया। कैसे अरुणाचल के नामसाई में, हरियाणा के मेवात में और त्रिपुरा के धलाई में इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी 40-45% से बढ़कर
90% पर पहुंच गई। कैसे कर्नाटक के रायचूर में नियमित अतिरिक्त पोषण पाने वाली गर्भवती महिलाओं की संख्या 70% से बढ़कर के 97% हो गई। कैसे हिमाचल प्रदेश के चंबा में ग्राम पंचायत स्तर पर कॉमन सर्विस सेंटर्स की कवरेज 67% से बढ़कर 97% हो गई। या फिर छत्तीसगढ़ के सुकमा में जहां 50% से भी ज्यादा कम बच्चों का टीकाकरण होता था, वहां अब 90% टीकाकरण हो रहा है। इन सभी सक्सेस स्टोरीज में पूरे देश के प्रशासन के लिए अनेकों नई नई बातें सीखने जैसी हैं, अनेक नए नए सबक भी है। साथियों, आपने तो देखा है कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में जो लोग रहते हैं उनमें आगे बढ़ने की कितनी तड़प होती है, कितनी ज्यादा आकांक्षा होती है। इन जिलों के लोगों ने अपने जीवन का बहुत लंबा समय अभाव में अनेक मुश्किलों में गुजारा है। हर छोटी छोटी चीज के लिए इन्हें मशक्कत करनी पड़ी है, संघर्ष करना पड़ा है। उन्होंने इतना अंधकार देखा होता है कि उनमें इस अंधकार से बाहर निकलने की जबरदस्त अधीरता होती है। इसलिए वो लोग साहस दिखाने के लिए तैयार होते हैं, रिस्क उठाने के लिए तैयार होते हैं और जब भी अवसर मिलता है उसका पूरा लाभ उठाते हैं। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में जो लोग रहते हैं, जो समाज है, हमें उसकी ताकत को समझना चाहिए, पहचानना चाहिए। और मैं मानता हूं इसका भी बहुत प्रभाव एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में हो रहे कार्यों पर दिखता है। इन क्षेत्रों की जनता भी आपके साथ आकर काम करती है। विकास की चाह साथ चलने की राह बन जाती है। और जब जनता ठान ले, शासन प्रशासन ठान ले, तो फिर कोई पीछे कैसे रह सकता है? फिर तो आगे ही आगे जाना है, आगे ही आगे बढ़ना है। और आज यही एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के लोग कर रहे हैं। साथियों, पिछले साल अक्टूबर में मुझे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री रहते हुए जनता की सेवा करते हुए 20 साल से भी अधिक समय हो गया। उससे पहले भी मैंने दशकों तक देश के अलग अलग हिस्सों में प्रशासन में के काम को, काम करने के तरीके को बहुत करीब से देखा परखा है। मेरा अनुभव है कि निर्णय प्रक्रिया में जो साइलोस होते हैं उसमें ज्यादा नुकसान इम्प्लीमेंटेशन में जब साइलोस होता है तब वो नुकसान भयंकर होता है। और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट ने ये साबित किया है कि इम्प्लीमेंटेशन में साइलोस खत्म होने से संसाधनों का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है। साइलोस जब खत्म होते हैं तो 1+1 2 नहीं बनता, साइलोस जब खत्म हो जाते हैं तो 1+1 11 बन जाता है। ये सामर्थ्य, ये सामूहिक शक्ति हमें आज एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में नजर आ रही है। हमारे आकांक्षी जिलों ने ये दिखाया है कि अगर हम गुड गवर्नेंस के बेसिक सिद्धांतों को फॉलो करें तो कम संसाधनों में भी बड़े परिणाम आ सकते हैं। और इस अभियान में जिस अप्रोच के साथ काम किया गया वो अपने आप में अभूतपूर्व है। आकांक्षी जिलों में देश की पहली अप्रोच रही कि इन जिलों की मूलभूत समस्याओं को पहचानने पर खास काम किया गया। इसके लिए लोगों से उनकी समस्याओं के बारे में सीधे पूछा गया, उनसे जुड़ा गया।
हमारी दूसरी अप्रोच रही कि आकांक्षी जिलों के अनुभवों के आधार पर हमने कार्यशैली में निरंतर सुधार किया। हमने काम का तरीका ऐसा तय किया जिसमें मेजरेबल इंडिकेटर्स का सिलेक्शन हो, जिसमें जिले की वर्तमान स्थिति के आकलन के साथ साथ प्रदेश और देश की सबसे बेहतर स्थिति से तुलना हो, जिससे प्रोग्राम की रियल टाइम मॉनिटरिंग हो, जिसमें दूसरे जिलों के साथ हेल्दी कंपटीशन हो और बेस्ट प्रैक्टिसेस को रिपीट करने का उमंग हो, उत्साह हो, प्रयास हो। इस अभियान के दौरान तीसरी अप्रोच ये रही कि हमें ऐसे गवर्नेंस रिफॉर्म्स किए जाए जिससे जिलों में एक प्रभावी टीम बनाने में मदद मिली। जैसे नीति आयोग के प्रेजेंटेशन में अभी ये बात बताई गई कि ऑफिसर्स के स्टेबल टेन्योर से नीतियों को बेहतर तरीके से लागू करने में बहुत मदद मिली, और इसके लिए मैं मुख्यमंत्रियों को बधाई देता हूं, उनका मैं अभिनंदन करता हूं। आप सभी तो इन अनुभवों से खुद गुजरे हुए हैं। मैंने ये बातें इसलिए दोहराई ताकि लोगों को ये पता चल सके कि गुड गवर्नेंस का प्रभाव क्या होता है। जब हम एम्फेसिस ऑन बेसिक्स के मंत्र पर चलते हैं तो उसके नतीजे भी मिलते हैं। और आज मैं इसमें एक और चीज जोड़ना चाहूंगा, आप सभी का प्रयास होना चाहिए कि फील्ड विजिट के लिए, इंस्पेक्शन और नाइट होल्ड के लिए डिटेल गाइडलाइन भी बनाई जाए, एक मॉडल विकसित हो। आप देखिएगा आप सभी को इसमें कितने ज्यादा लाभ होगा। साथियों, आकांक्षी जिलों में मिली सफलताओं को देखते हुए देश ने अब अपने लक्ष्यों को और विस्तार किया है। आज आजादी के अमृत काल में देश का लक्ष्य है सेवाओं और सुविधाओं का 100% सैचुरेशन, यानी हमने अभी तक जो उपलब्धियां हासिल की उसके आगे हमें एक लंबी दूरी तय करनी है और बड़े स्तर पर काम करना है। हमारे जिले में हर गांव तक रोड कैसे पहुंचे, हर पात्र व्यक्ति के पास आयुष्मान भारत कार्ड कैसे पहुंचे, बैंक अकाउंट की व्यवस्था कैसे हो, कोई भी गरीब परिवार उज्ज्वला गैस कनेक्शन से वंचित न रहे, हर योग्य व्यक्ति को सरकारी की बीमा की व्यवस्था का लाभ मिले, पेंशन और मकान जैसी सुविधाओं का लाभ मिले, ये हर एक जिले के लिए एक टाइम बाउंड टारगेट होना चाहिए। इसी तरह हर जिले को अगले 2 सालों के लिए अपना एक विजन तय करना चाहिए। आप ऐसे कोई भी 10 काम तय कर सकते हैं जिन्हें अगले 3 महीनों में पूरा किया जा सके और उनसे सामान्य मानवीय की ईज ऑफ लिविंग बढ़े। इसी तरह कोई 5 टास्क ऐसे तय करें जिन्हें आप आजादी के अमृत महोत्सव के साथ जुड़कर पूरा करें। ये काम इस ऐतिहासिक कालखंड में आपकी, आपके जिले की, जिले के लोगों की ऐतिहासिक उपलब्धियां बननी चाहिए। जिस तरह देश आकांक्षी जिलों को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है, वैसे ही जिले में आप ब्लॉक लेवल पर अपनी प्राथमिकताएं और लक्ष्य तय कर सकते हैं। आपको जिस जिले की जिम्मेदारी मिली है आप उसकी खूबियों को भी जरूर पहचाने, उनसे जुड़े। इन खूबियों में ही जिले का पोटेंशियल छिपा होता है। आपने देखा है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जिले की खूबियों पर ही आधारित है। आपके लिए एक मिशन होना चाहिए कि अपने डिस्ट्रिक्ट को नेशनल और ग्लोबल पहचान देनी है, यानी वोकल फॉर लोकल का मंत्र आप अपने जिलों पर भी लागू करिए। इसके लिए
आपको जिले के पारंपरिक प्रोडक्ट्स को, पहचान को, स्किल को पहचानना होगा और वैल्यू चेन्स को मजबूत करना होगा। डिजिटल इंडिया के रूप में देश एक साइलेंट रिवॉल्यूशन का साक्षी बन रहा है। हमारा कोई भी जिला इसमें पीछे नहीं छूटना चाहिए। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे हर गांव तक पहुंचे, सेवाओं और सुविधाओं की डोर स्टेप डिलीवरी का जरिया बने, ये बहुत जरूरी है। नीति आयोग की रिपोर्ट में जिन जिलों की प्रगति अपेक्षा से धीमी आई है, उनके डीएम्स को, सेंट्रल प्रभारी ऑफिसर्स को विशेष प्रयास करना होगा। मैं नीति आयोग को भी कहूंगा कि आप एक ऐसा मैकेनिज्म बनाएं जिससे सभी जिलों के डीएम्स के बीच रेगुलर इंटरेक्शन होता रहे, हर जिला एक दूसरे की बेस्ट प्रैक्टिसेस को अपने यहां लागू कर सके। केंद्र के सभी मंत्रालय भी उन सभी चैलेंजेस को डॉक्यूमेंट करें जो अलग अलग जिलों के सामने आ रहे हैं। ये भी देखें कि इसमें पीएम गतिशक्ति नेशनल प्लान से कैसे मदद मिल सकती है। साथियों, आज के इस कार्यक्रम में मैं आप सभी को एक और चैलेंज आपके सामने रखना चाहता हूं, एक नया लक्ष्य भी देना चाहता हूं। ये चैलेंज देश के 22 राज्यों के 142 जिलों के लिए हैं। ये जिले विकास की दौड़ में पीछे नहीं है, ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की कैटेगरी में नहीं है, ये काफी आगे निकले हुए हैं, लेकिन अनेक पैरामीटर में आगे होने के बावजूद भी एकाध दो पैरामीटर ऐसे हो जिसमें वो पीछे रह गए हैं। और सभी मैंने मंत्रालय को कहा था कि वो अपने अपने मंत्रालय में ऐसा क्या क्या है ढूंढ सकते हैं। किसी ने 10 जिले ढूंढे, किसी ने 8 जिले ढूंढे हैं, किसी ने 6 जिले ढूंढे हैं, ठीक है, अभी इतना आया है। जैसे कोई एक जिला है जहां बाकी सब तो बहुत अच्छा है लेकिन वहां कुपोषण की दिक्कत है, इसी तरह किसी जिले में सारे इंडिकेटर्स ठीक है लेकिन वो एजुकेशन में पिछड़ा हुआ है। सरकार के अलग अलग मंत्रालयों ने, अलग अलग विभागों ने ऐसे 142 जिलों की एक लिस्ट तैयार की है जिन एक दो पैरामीटर्स पर ये अलग अलग 142 जिले पीछे है। अब वहां पर भी हमें उसी कलेक्टिव अप्रोच के साथ काम करना है जैसे हम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में करते हैं। ये सभी सरकारों के लिए, भारत सरकार, राज्य सरकार, जिला प्रशासन, जो सरकारी मशीनरी है उसके लिए एक नया अवसर भी है, नई चैलेंज भी है। इस चैलेंज को अब हमें मिलकर पूरा करना है। इसमें अपने सभी मुख्यमंत्री साथियों का भी सहयोग हमेशा मिलता रहा है, आगे भी मिलता रहेगा, मुझे पूरा विश्वास है। साथियों, अभी कोरोना का समय भी चल रहा है, कोरोना को लेकर तैयारी, उसका मैनेजमेंट और कोरोना के बीच भी विकास की रफ्तार को बनाए रखना, इनमें भी सभी जिलों की बहुत बड़ी भूमिका है। इन जिलों में भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए भी अभी से काम होना चाहिए। साथियों, हमारे ऋषियों ने कहा है, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः, अर्थात बूंद बूंद से ही पूरा घड़ा भरता है। इसलिए आकांक्षी जिलों में आपका एक एक प्रयास आपके जिले को विकास के नए आयाम तक लेकर जाएगा। यहां जो सिविल सर्विसेज के साथ जुड़ी है उनमें से एक और बात याद करने को मैं कहूंगा, आप वो दिन जरूर याद करें
जब आपका इस सर्विस में पहला दिन था, आप देश के लिए कितना कुछ करना चाहते थे, कितना जोश से भरे हुए थे, कितने सेवा भाव से भरे हुए थे। आज उसी जज्बे के साथ आपको फिर आगे बढ़ना है। आजादी के इस अमृत काल में करने के लिए, पाने के लिए बहुत कुछ है। एक एक आकांक्षी जिले का विकास देश के सपनों को पूरा करेगा। आजादी के 100 साल पूरे होने पर नए भारत का जो सपना हमने देखा है, उनके पूरे होने का रास्ता हमारे इन जिलों और गांवों से होकर ही जाता है। मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपने प्रयासों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। देश अब अपने सपने पूरे करेगा तो उसके स्वर्णिम अध्याय में एक बड़ी भूमिका आप सभी साथियों की भी होगी। इसी विश्वास के साथ मैं सभी मुख्यमंत्रियों का धन्यवाद करते हुए, आप सब नौजवान साथियों ने अपने अपने जिले में जो मेहनत की है, जो परिणाम लाए हैं, इसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। आज मैंने एक सामने 26 जनवरी है, उस काम का भी प्रेशर होता है, जिला अधिकारियों को ज्यादा प्रेशर होता है। कोरोना का पिछले 2 साल से आप लड़ाई के मैदान में अग्रिम पंक्ति में हैं, और ऐसे में शनिवार के दिन आप सबके साथ बैठने का थोड़ा ही ज्यादा कष्ट तो दे ही रहा हूं मैं आपको, लेकिन फिर भी जिस उमंग और उत्साह के साथ आज आप सब जुड़े हैं, मेरे लिए खुशी की बात है। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।